नमस्कार। जानेंगे कि इस सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज़ में यानी गोल्ड और सिल्वर, एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स में क्या रुझान रह सकता है। तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से ही करते हैं। तो जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते या उसके भी पहले कहा था कि 48,000 के नीचे अगर दाम मिले 47,850-900 तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो वही हमने देखा इस सप्ताह। खास करके फेड की बैठक के बाद एक बड़ी रैली देखने मिली गोल्ड में, 48,780 तक के हाइस बनते हुए देखे। हालांकि जो हफ्ते का क्लोज था वो 48,600 के करीब आया। इसमें एक बड़ा हाथ रुपी डेप्रिसिएशन का भी रहा, यानी डॉलर में जो गेन हुए रुपी के अगेंस्ट, उसने भी डोमेस्टिक मार्केट्स में खास करके M6 के जो प्राइजेस हैं उसको हेल्प किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्पॉट गोल्ड के दाम भी हमने देखे, $1,760 के करीब के जो सपोर्ट थे वो बाज़ार ने लिए और $1,815 तक की तेज़ी हमने देखी। हालांकि जो क्लोजिंग आई वो $1,800 के करीब ही दी है प्राइजेस ने। तो आने वाले हफ्ते में क्या रुख रहेगा इसकी चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लगभग ₹1,000 की तेज़ी लोअर लेवल से देख चुके हैं, तो एक मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है आने वाले 2 या 3 सेशन में, जहां पर दाम हो सकता है 48,200 से 48,100 के बीच जाते हुए देखें। तो शुरुआती दौर में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, हो सकता है बिकवाली करके फ़ायदा कर सकें, लेकिन ओवरऑल निचले स्तरों से मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। अगर आप 2 हफ्ते का व्यू ले रहे हैं तो 48,200 के करीब बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, 47,800 के करीब स्टॉप रहेगा और दोबारा हम 48,800 और उसके बाद 49,150 तक के लेवल देख पाएंगे। वहीं स्पॉट गोल्ड में ऐसा लगता है कि $1,830 से $1,835 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट के हिसाब से $1,780 का एक लेवल रहेगा जो महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं पर चांदी में हमने देखा कि $21.4 जो पिछले 2 या 3 बार बाजार टेस्ट कर चुका है, वहीं पर स्पॉट सिल्वर ने भी फिर से सपोर्ट लिया डोमेस्टिक मार्केट में, जो हमने 60,500 से 60,300 की बात की थी, कहीं ना कहीं वहीं लोज बनते हुए देखे और 62,200 का जो लक्ष्य था वो हासिल हो गया। 62,450 के हाइस थे, हालांकि क्लोजिंग हल्की सी नीचे बाजार ने दी है। गोल्ड की तरह ही सिल्वर में भी हो सकता है कि हमें 1 या 2 सेशन में बिकवाली का दबाव देखने मिले, जहां पर 61,200 से 61,300 के दाम देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर शुरुआती दिनों में अगले हफ्ते की जो एक सेलिंग करके चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो 61,200 के करीब दोबारा बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में ये रैली जब एक्सटेंड होगी तो ऐसा लगता है कि 63,200 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। तो एक ओवरऑल बाय ऑन डिप का जो व्यू है वो लेके चला जा सकता है। सिमिलरली स्पॉट सिल्वर में भी ऐसा लगता है कि लगभग $23 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो $22 के नीचे अगर प्राइस मिलती है तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं पर अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफ़ी उठापटक हमें नेचुरल गैस में देखने मिली। जो एक दायरा था वो 3 से 10 से लेकर 270-275 का था। पिछले हफ्ते हमने 310 के टारगेट की बात की थी और वहाँ से दोबारा गिरावट की बात की थी, तो उसी तरह हमने मार्केट में जो एक रुझान है उसको आता हुआ देखा। तो 310 से दोबारा प्राइजेस जो हैं वो 277 के करीब गई। हालांकि जो क्लोजिंग थी वो 286 के करीब देने में कामयाब हुई हैं। ऐसा लगता है कि 275 से 280 का जो जोन है एक शॉर्ट टर्म बेसिस एक सपोर्ट जोन है, और यदि प्राइजेस 293 के ऊपर चलने लगती हैं तो दोबारा हम 305 से 310 के स्तर देख पाएंगे। तो शुरुआती रुझान थोड़ा सा तेज़ी की तरफ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये शॉर्ट टर्म तेज़ी लग रही है, बहुत ही बड़ी तेज़ी फिलहाल नहीं दिखती नेचुरल गैस में। वहीं कच्चे तेल में हमने एक स्टेडी अपमूव आते हुए देखा, जहां पर दाम 5,550 के करीब जाते हुए देखे, लेकिन क्लोजिंग जो है हफ्ते की वो 5,400 के आसपास आई है। शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक अभी 5,290 के ऊपर प्राइसेस नहीं जा पाती के नीचे जब तक नहीं जा पाती, तब तक अपसाइड रुझान रहेगा, यानी जो भी डिप है वहां पर बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में इमीडिएट टारगेट 5520 का होगा और उसके बाद अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं और तो 5,610 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 5,400 पे ऑलरेडी प्राइसेस क्लोज दे पाई हैं, तो यहां से जो रिस्क है वो लगभग 100 या 110 रुपये का है, लेकिन जो अपसाइड होगा वो 120 रुपये से लेके 210 रुपये का हो सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। तो बाइंग की सलाह होगी जब तक 5,290 के स्तर होल्ड कर पा रही है प्राइसेस। वहीं अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी रेंज हमें देखने मिली। जिंक के लेवल हमने देखे कि 275 से 287 तक के सर देखे, हालांकि क्लोजिंग जो है वो 282 की आई।
तो ऐसा लगता है कि जिंक में जो इमीडिएट दबाव है वो देखने मिलेगा और 278 तक ये फॉल एक्सटेंड हो सकता है। वहीं एलुमिनियम में भी हमने काफ़ी लंबी रैली देखी। आपको ध्यान होगा कि हमने एलुमिनियम में कहा था कि 213 के ऊपर यदि प्राइसेस निकलती हैं तो 222 तक भी जा सकती हैं, और वही हमने होता हुआ देखा, 221.50 के हाईज देखे और वहाँ से 220.50 की क्लोजिंग आई है। हालांकि ऊपरी स्तरों के करीबी है तो हो सकता है कि 222 के स्तर आने वाले हफ्ते में दिखे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ से इमीडिएट अपसाइड जो है थोड़ा लिमिटेड है, बहुत बड़ा अपसाइड और नहीं दिखता। 222 से 223 के आसपास जाके दोबारा एक प्राइजेज में नरमी आ सकती है। वहीं पर कॉपर में भी उठा पटक का माहौल देखा, 725 से 745 तक की रेंज देखने मिली और ये रेंज कुछ समय से मार्केट में दिखाई दे रही है। तो जब तक 745 से 748 के लेवल नहीं निकल पाते, मेरा मानना है कि एक करेक्शन दोबारा देखने मिल सकती है। डाउनसाइड में 732 और 725 के स्तर दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो 748 के नीचे जब तक प्राइसेस हैं तब तक सेल ऑन रैलीज का रुझान लेके चला जा सकता है। वहीं हमने लेड और निकल में कुछ खास रेंज नहीं आते हुए देखी। तायरी का कारोबार देखा गया, निकल में 1510 पे सपोर्ट मिल रहे हैं और 1565 के करीब रेजिस्टेंस है। तो जहां पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा था कि 1500 के करीब अगर प्राइसेस मिलती हैं तो वहां पर लिया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम 1565 के रेजिस्टेंस भी होंगे। अगर ये निकलती है प्राइस तो फिर ऐसा लगता है कि 1590 से 1605 तक के स्तर हमें आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज एक रेंज बाउंड या एक दायरे को कारोबार हमें देखने मिलेगा। तो ये था एक व्यू कि हमें आने वाले कुछ समय में जो मेजर प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स की कमोडिटीज़ है उसमें क्या रुझान देखने मिल सकता है। धन्यवाद।